गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्लांटेशन में जब हम देख रहे थे तो हमने ये देखा था हमारे प्रोडक्शन में कि जो हमारी यूटेराइन लेयर थी एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम तक पहुंचते पहुंचते जायगोट जो था जायगोट एम्प्यूलर रीजन से हमारा जब मूव कर रहा था तो टोटल हमारे क्या 3 डेज के अराउंड हमारे इसको लगते हैं कहाँ पहुँचने में इस पर्टिकुलर पोजिशन में पहुँचने में जहाँ पे ये क्या करेगी इस तरीके से इसने अपने आप को एडजस्ट करना है ताकि जो जायगोट है वो फॉल ना हो और हमारा क्या हो यहाँ पे उसको ग्रोथ मिलने लग जाए। तो टोटल 72 आवर्स में ये हमारे डेवलप होके अलग अलग स्टेजेस में पास हो रही थी। ठीक है, जो लास्ट स्टेज थी वो लास्ट स्टेज हमारी क्या थी मॉलिकुलर स्टेज है ना। तो मॉलिकुलर स्टेज थी हमारी और अब क्या होगा यहाँ पे जो हमारा एग का साइज होता है और जो मॉलिकुलर का साइज होता है ये दोनों साइज हमारे क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके साइज में अंतर नहीं आता है। हालांकि अभी ये एक सेल है और यहाँ आने तक हमारी कितनी हो जाती है कहा था 16 to 32 सेल स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। इसमें हमारे दो लेयर्स बन रही थी इस तरीके से, एक आउटर लेयर जिसमें फ्लैट डिस्क थी और एक इनर लेयर जिसमें हमारी क्या थी काफी ज्यादा राउंडेड सेल्स थी। ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से हमारी सेल्स थी, ये हमारा क्या था स्ट्रक्चर था मॉलिक्यूलर का और ये कम्प्लीटली फिल था इस तरीके से। जो बाहर वाले हमारे ब्लास्टोल होंगे उनको हम क्या कहेंगे ब्लास्टोमेयर्स को हम कहेंगे माइक्रोमेयर्स और जो इनर वाले में हम कहेंगे मैक्रोमेयर्स। ठीक है, मैक्रोमेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा था, अब हमारा जो होना है बेसिकली क्या होना है ये जो मॉलिक्यूलर है इसको हमने यहाँ पे पहुंचाना है और यहाँ पे हमारा मैसेज। तो जब ये इम्प्लांट होने के लिए यहाँ पे से यूट्राइन में पहुंचता है तो यूट्राइन वाले पोर्शन पे हमारा क्या होता है फॉर्मेशन होता है किस चीज का इसकी नेक्स्ट स्टेज का डेट इज ब्लास्टुला स्टेज। ठीक है, तो अगली स्टेज जो आएगी मॉलिक्यूलर का कन्वर्जन होगा ब्लास्टुला में। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला या फिर हम इसको क्या कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट। तो अब इस ब्लास्टोसिस्ट में होता क्या है अब यही जो सेल्स हैं ये सेल्स अभी जब हमारा यहाँ पे से हम देख रहे थे तो यहाँ पे हमारे तीनों की तीनों जो हमारी लेयर्स थी एग की वो लेयर्स हमारे अभी तक क्या थी नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट। बट अब क्या होगा यहाँ पे कोरोना रेडिएटर उसके अंदर जो जोना पेरिस्टोडियम हमारी जो है और उसके अंदर विटिलाइन मेम्ब्रेन थी अब हमारा जो कोरोना लेयर है वो हमारी हट जाएगी और सिर्फ यहाँ पे एक आउटर लेयर जो बचेगी वो बचेगी जोना पेरिस्टोडियम। ठीक है, तो जोना पेरिस्टोडियम के बचने से हमारा क्या होगा कोरोना पेनिट्रेटिंग जो हमारी लेयर है वो निकल गई है। इसका मतलब जितने भी फॉलिकल्स हैं वो हमारे इसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो अब ये यहाँ जाते जाते क्या होगा ये हमारा जो ब्लास्टुला है मॉलिक्यूला है मॉलिक्यूला में हमारे क्या होगा इस तरीके से हमारे जो लेयर्स है ये आउटर लेयर है। ठीक है, इसके बाहर हमारे क्या एक और लेयर होगी कौन सी जोना पेरिस्टोडियम और हमारा क्या होगा जितनी भी ये सेल्स हैं अभी तक ये सेल्स हमारे क्या अरेंज ऑर्डर में नहीं होती है। तो यहाँ पे अब ये सारी की सारी सेल्स एक साथ अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में हमारा क्या है सारी की सारी सेल्स हमारी क्या हुई हैं एक साथ जमा हुई हैं और बाकी इधर पे हमारा क्या हो जाता है डेवलपमेंट हो जाता है एक कैविटी का प्लस जो मॉलिक्यूलर का साइज था वो साइज हमारा क्या हो जाता है एनलार्ज हो जाता है क्योंकि जो फॉलिकुलर सेल्स हमारी बाहर थी वो सेल्स हमारी क्या हो चुकी हैं मूव आउट कर चुकी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं एम्ब्रायोनिकल नॉव इसे हम क्या कहते हैं एम्ब्रायोनिकल नॉव। ठीक है, इस एम्ब्रायोनिकल नॉव का मतलब क्या हुआ ये जो हमारी सेल्स हैं यही सेल्स हमारी डेवलप होके क्या बताती हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, जर्म लेयर्स यानी कि एक्टोडर्म मीजोडर्म ठीक है एंडोडर्म यानी कि ये हमारी वो तीन लेयर होती हैं जिसके बेसिस में हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है
डिप्लो ब्लास्टिक है या ट्रिप्लो ब्लास्टिक है। तो बेसिकली ह्यूमन के केस में क्या होता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक। तो यही तीनों जो सेल्स की लेयर है, यही हमारे सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। अगर ये लेयर्स हमारे फॉर्म नहीं होंगी तो हमारे क्या बॉडी का न्यूरल कंट्रोल या बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे फॉर्म नहीं होंगे। तो ब्लास्टुला स्टेज में मेन चीज क्या है, एम्ब्रायोनिकल नॉक का फॉर्मेशन होता है जो बाद में डेवलप होकर हमारे क्या बनाती है, जर्म लेयर। और उसके अलावा एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये कैविटी हमारे यहाँ पे फॉर्म होगी और दूसरा हमारा क्या होगा, ये पर्टिकुलर। तो यहाँ पे जो कैविटी बनेगी, इस कैविटी को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ये हमारा एक पर्टिकुलर लिक्विड होगा जो हमारा हेल्प आउट करेगा इन सेल्स को दोबारा पेनिट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है और हमारा एम्ब्रायोनल नॉक। अब यहाँ पे हमारा एक एक्सिस होगी, पॉइंट ऑफ एक्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो जिस एक्सिस पे हमारा क्या है, एम्ब्रायोनल नॉब है, इसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रायोनल एक्सिस, ठीक है, एम्ब्रायोनिकल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहेंगे एम्ब्रायोनिकल पोल, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट जो दूसरा साइड होगा उसे हम कहेंगे एफ एम्ब्रायोनिकल, ठीक है। इसके अलावा बेसिकली हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा अब ये चीज जब इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि मोलुला हमारा ब्लास्टुला में चेंज हो जाएगा, तो ये सेल हो जाएगी, इसमें हमारे ये हमारा क्या हो गया, एम्ब्रायोनल नॉब इस तरीके से हो गया और यहाँ पर हमारा सारा का सारा लिक्विड वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे जो ब्लड लेवल्स या ब्लड वेसल्स होंगे उनके साथ इसका इंटरेक्शन होगा और धीरे धीरे यहाँ पे हमारे क्या है, एज ए रिजल्ट एक लेयर का भी डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर लेयर जो हमारी होगी उसको हम क्या कहेंगे, ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। यानी कि जो आउटर ये ब्लास्टोमेयर की हमारी ये लेयर थी, जो माइक्रोमेयर्स थे, ये माइक्रोमेयर्स डेवलप हो गए, फिर हमारा क्या बना देते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और यही ट्रोपोब्लास्ट बाद में हमारा क्या एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसकी हेल्प से ये यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी और आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इम्प्लांटेशन यहाँ पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।